हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सांवली और डस्की स्किन पर फ्रूट फेशियल का कैसे रिजल्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ नेचर्स का मिक्स फ्रूट फेशियल, और जो स्किन टाइप है यहाँ पर वो है स्किन टाइप इनकी नॉर्मल स्किन टाइप है, और जो इनका स्किन टोन है वो डस्की टू डार्क है। ठीक है, तो इस तरह के फेस पर आप जो है फ्रूट फेशियल का जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा आप देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लेंजर का स्टेप है, तो क्लेंजर को लेंगे। क्लेंजर वाले स्टेप को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए या फिर बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो क्लेंजर का स्टेप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्योंकि जब हम नॉर्मल क्लींजिंग करते हैं कॉटन या टिश्यू से, तो वो बस हमारे फेस की ऊपर की लेयर क्लीन होती है। ठीक है, और जो डीप क्लेंजर रहते हैं उनसे हमारे जो स्किन की लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, वो क्लीन होती हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने ओनली क्लेंजर से क्लीन किया और फेस मतलब कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। ठीक है, जो भी इनके डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं वो काफी अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब का, और क्लेंजर का स्टेप किसी किसी फेशियल किट में दिया रहता है, किसी फेशियल किट में नहीं दिया रहता। तो जिस फेशियल किट में है उसमें आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा स्क्रब का स्टेप, और देख सकते हो स्क्रब का जो क्वांटिटी होती है वो आपको किस हिसाब से लेनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कि अगर स्क्रब के पार्टिकल ज़्यादा हार्ड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं लेना है, और अगर स्क्रब के पार्टिकल माइल्ड है तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। प्रोडक्ट का आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे सर्विस कुछ भी हो, फेशियल हो, हेयर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आपको प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा भी नहीं लेना कि वो वेस्ट हो, इधर उधर बालों पे लगे, और इतना कम भी नहीं लेना है कि उसका रिजल्ट ही ना आए। ठीक है, अपने हिसाब से, जैसे आप अगर स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो एक बार उसको अच्छे से मसाज करके अगर आपको लगता है कि अभी और नीड है और आपके हाथों में प्रोडक्ट नहीं है तो आप फिर से ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार लोगे तो उसके बाद दोबारा नहीं ले सकते प्रोडक्ट। ठीक है, और जैसे अंडर आई एरिया हो गया, अराउंड ऑफ द माउथ हो गया, यहाँ पर हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली विंटर में, और फ्रूट फेशियल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, फ्रूट फेशियल को रूटीन में लेके आते हैं फ्रूट फेशियल को। तो देख सकते हो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, स्क्रबिंग का जो पार्ट है वो आपको 5 से 6 मिनट की करनी है स्क्रबिंग लाइट हैंड से, और जितना आपके क्लाइंट को बर्दाश्त हो उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ की हुई है, इस वजह से ये 5-6 मिनट का जो स्टेप है वो कम से कम 1-1.5 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इतना फुल वीडियो डालेंगे तो इतना फुल वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो ग्लोइंग फेशियल होते हैं, रूटीन फेशियल होते हैं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई पार्टी शादी के लिए अगर फेशियल करवाना है तो तब आप फ्रूट फेशियल से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये ग्लोइंग फेशियल होगा, इससे हमारे फेस पे ग्लो आएगा। ठीक है, इतना नहीं होता है। जो ग्लोइंग फेशियल होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और जो रूटीन वाले फेशियल होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो देख सकते हो इसके बाद हम क्रीम से मसाज करेंगे, और काफ़ी हद तक इनके फेस पे जो है अच्छा रिजल्ट आया है इस फेशियल से, जैसे कि आप लोग लाइव देख रहे हो। बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत ही बेस्ट फेशियल है। अगर आप फ्रूट में कोई फेशियल लेना चाहते हो तो अपने लिए ले सकते हो, अगर आपकी सिस्टर की वेडिंग है या घर में किसी और की वेडिंग है तब आप जो है अपना फेशियल खुद भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कर सकते हो आप। 15 दिन में एक बार करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फिर अगर जैसे ग्लोइंग फेशियल तर मतलब ऐसे होते हैं कि उनसे फेस पे ना एक अलग ही शाइन दिखती है, एक एक्स्ट्रा ग्लो दिखता है, और इन फेशियल से आपको बस क्लीन दिखेगा अपना फेस। ठीक है, तो क्लीन ग्लो मतलब लगभग लोग सिमिलर ही समझते हैं उस चीज को। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हम मसाज करेंगे क्रीम से, और फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। 50% हमारे प्रोडक्ट का वर्क होता है और 50% डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए कि किसी का हाथ ऐसा होता है उनके हाथ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फेशियल का, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से स्टेप्स कर रहे हो। ठीक है, कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मल मसाज करनी है जो है उसका रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा, बट आपने ध्यान दिया होगा
होगा कि जब कोई फेशियल घर पे करता है तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, और पार्लर पे जाके अगर वो सेम प्रोडक्ट से करवाएगा तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो इस वजह से होता है कि फेशियल के स्टेप्स भी मैटर करते हैं। फेशियल फेस पे जो पार्ट्स होते हैं उनके हर पार्ट के अलग अलग जो है स्टेप्स होते हैं। तो फेस पे मतलब जैसे नोज है तो नोज का डिफरेंट स्टेप होता है, लिप्स का अलग होता है, आई का अलग होता है, आईब्रो का अलग होता है, फॉरहेड का अलग होता है। तो इन सारे स्टेप्स के नाम भी अलग अलग होते हैं, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग को देखनी है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर दो। और मेरी वीडियोस को 90% वो लोग देखते हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूरी वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है। तो जब आप लोग को वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि और भी वीडियोज आप लोग देख सको जो कि आप लोग को पसंद है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया है अच्छे से। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा पेपर यूज़ करते हो फेस को क्लीन करने के लिए। तो कोविड के टाइम से हम लोग ड्राई टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, ये यूज एंड थ्रो होता है। एक क्लाइंट के फेशियल में हम एक टिश्यू यूज़ करते हैं और एंड में हम उसको फेंक देते हैं। पहले स्पंज यूज़ होता था तो स्पंज जो है सबके फेस पे लगता था, बस हम उसे जो है क्लीन करके रख देते थे। बट कोविड के टाइम से हम लोगों ने ये यूज़ करना शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छे होते हैं, ड्राई होते हैं, हैंकी साइज़ में होते हैं। इनको जैसे पानी में भिगाओ और फेस क्लीन करते रहो, जब आपका फेशियल कंप्लीट हो जाए तो इनको फेंक दो। और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, इतने कॉस्टली नहीं होते और बेस्ट होते हैं। इसके बाद है इसमें फेस पैक का स्टेप। वैसे इसमें एक D10 का स्टेप भी है सबसे पहले, बट वो हमने नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप वो D10 भी कर सकते हो, वो इस किट के अंदर ही अवेलेबल है, अलग से नहीं लेना है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है फेस पैक की एप्लीकेशन करेंगे। और फेस पैक लगा के आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बातें नहीं करनी है। नॉर्मली पता है क्या होता है कि जब हम फेशियल करते हैं तो हमारा जो क्लाइंट है वो पूरे फेशियल में चुप रहता है, जब फेस पैक लगता है तब वो सबसे ज़्यादा बातें करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फेस पैक लगाया जाता है स्किन टाइटनिंग के लिए। तो अगर हम फेस पैक लगा के बातें करेंगे तो स्किन जो स्किन में होता है लूज होने का डर रहता है स्किन में, ठीक है, रिंकल्स पड़ने का भी डर रहता है। तो इस वजह से जब भी आप फेस पैक लगाएं आप अपने क्लाइंट को बोलें कि आप इतनी देर चुप रहिए। और यहाँ पर देख सकते हो इनके मेकअप की वीडियो भी मेरे चैनल पर जाएगी, वो भी आप देख लेना। इनकी जो साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके एक बार देख सकते हो। और फेस पैक आपको कितना मोटा कितना पतला लगाना है ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के पास कितना टाइम है, ठीक है। वैसे तो एक मीडियम लेयर लगानी चाहिए फेस पैक की ताकि वो पूरे टाइम मतलब सूख जाए जब तक, तब तक उसको हटाना नहीं है उसको। बट अगर कई लोगों का ऐसा होता है कि जल्दी में है तो आप पतली कोटिंग कर सकते हो, और विंटर में तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से जो है आप अपने क्लाइंट के टाइमिंग के हिसाब से फेस पैक को रिमूव कर सकते हो। अब आप देख सकते हो फेस पैक यहाँ पर रिमूव हो गया है अच्छे से, और अब हम इसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद आपको दिखेगा फाइनल रिजल्ट। अब ये जो टिश्यू पेपर है ये हमने स्टार्टिंग में इनके यूज़ कर लिया था जब हमने इनके फेस पे फर्स्ट स्टेप किया था, और बार बार हम इसको वॉश करके इनका फेस फेशियल जो है कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसको थ्रो कर देंगे। तो आई होप उन लोग को पता चल गया होगा कि ये कौन सा पेपर है, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत अच्छा लगता है, फिर हमें वो स्पंज वगैरह का झंझट नहीं रखना पड़ता। ये हर चीज़ में अच्छा होता है, जैसे वैक्सिंग कर दी किसी की तो